रंग फकीरी दे यूट्यूब चैनल देख रहे सारिया नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। परमात्मा सब दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखे। दोस्तों, पैसा हर किसी की जरूरत है, बिना पैसे दे कोई काम नहीं हो सकता। अजकल तो पानी भी बिना पैसे दे नहीं मिलता, रोटी तो दूर की गल है। इसलिए लोग काम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, इतों तक कि भीख भी कई लोग मंगते हैं। कई घर परिवार बहुत ही खुशहाल होंगे है, पर समा पेंदे पेंदे खुशहाल परिवार भी बदहाल हो जाते हैं। गरीबी आ जाती है, पैसा टिकता नहीं, मेहनत करते हैं पर मेहनत का फल नहीं मिलता। ये क्यों होंदा है? ये होंदा है साडे आपदे कर्मा कारण। अज की इस वीडियो मैं तुहानू 6 एहोजियां चीज़ां दसन जा रहा। उन्हां विचों जेकर तुसी एक भी कर रहे हो, एक दा भी इस्तेमाल कर रहे हो, या तुहाडे घर दे विच एक भी वह चीज़ हैगी है, तां अज ही उसनू छड्ड देवो, क्योंकि तुहाडे कर्म ही तुहाडे भविख नू तैयार करदे है। अज की इस वीडियो मैं तुहानू उन्हां 6 चीज़ां बारे दसांगा, पर उस तो पहला जेकर तुसी रंग फकीरी दे यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया है तो इसनों सबसक्राइब कर लवो, तो घंटी वाला बटन जरूर दब लेना। इस वीडियो नू शेयर करना बिल्कुल ना भुलना। दोस्तों, घर विच जेकर नैगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा होवे तां ओ घर विच कोई भी काम सही नहीं होण दिंदी। छोटी छोटी गल ते लड़ाई झगड़े हुंदे है, गरीबी घर नू घेर लैंदी है, काम कार कोई चलदा नहीं, बीमारी घर विचों निकलदी नहीं। ये सब हुंदा है साडियां गलतियां कारण, साडे कर्मा कारण। दोस्तों, अज मैं जो 6 चीज़ां तुहानू दसन जा रहा हाँ, उन्हां नूं ध्यान नाल नोट कर लवो। जेकर तुसीं एक भी इन्हां दे विचों इस्तेमाल कर रहे हो, एक भी चीज़ तुहाडे घर दे विच हैगी है, एक भी चीज़ इस तरीके नाल तुहाडे घर दे विच हो रही है, तो सारी नकारात्मक ऊर्जा तुहाडे घर दे विच मौजूद है। तो आपदे घर दे विचों नकारात्मक ऊर्जा नूं कढ़ना है तो इन्हां सारियां चीज़ां नूं दुरुस्त कर लवो। सुख शांति तुहाडे घर दे विच आ जाएगी, तरक्की होण लग जाएगी, सारे काम सही होण लग जाणगे। नंबर 1, गद्दे ते बैठ के यानी बिस्तर ते बैठ के कदे भी रोटी नहीं खानी चाहिए, चाह नहीं पीनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि कईयों नूं आदत हुंदी है कि सवेरे उठते सार जिते वह सुते है उसे गद्दे दे उत्ते बैठ के चाह पीते हैं, या दोपहर की रोटी खाते हैं, रात की रोटी खाते हैं। एवें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरीके दे नाल नकारात्मक ऊर्जा जिहड़ी है वह तुहाडे घर दे विच प्रवेश करती है, तुहाडे काम कार सारे बंद कर दिंदी है, तुहाडे नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। इस वास्ते कदे भी उस गद्दे ते बैठ के जिथे तुसीं या तुहाडे घर का कोई भी बंदा सौंदा है ना चाह पियो ते ना ही रोटी खाओ। नंबर 2, बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखो अते उसनू साफ सुथरा रखो। दोस्तों, कई लोगों के घर के असी देखा है, तुसी भी देखा होना है कि गंदगी बहुत हुंदी है, बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदे रहिंदे है, सफाई नहीं करते, तो दरवाजा भी खुला रहिंदा है। इस तरीके दे नाल घर दे विच नकारात्मक ऊर्जा जिहड़ी है वह प्रवेश करती है। तो तुहानू भी पता है कि जिहड़ी जगह पर नकारात्मक ऊर्जा होवे, गंदी जगह होवे, उस जगह पर लक्ष्मी कदे नहीं आउंदी, सकारात्मक ऊर्जा कदे नहीं आउंदी। जेकर तुहाडे बाथरूम का दरवाजा खुला रहिंदा है तो इसनू बंद करके रख्या करो, तो बाथरूम नू हमेशा साफ सुथरा रख्या करो। इस नाल नकारात्मक ऊर्जा तुहाडे घरों जाएगी तो लक्ष्मी जी तुहाडे घर दे विच वास करनगे। नंबर 3, कबूतरां नू घर विच ना आण देवो। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कबूतर घरां दे विच वास करन लग जाते हैं। असं लोग ये कहने हैं कि किसी पंछी नू घर दे विचों नहीं उड़ाना चाहिए, पर जेकर तुहाडे घर दे विच कबूतरां ने घर बना लिया, आलना बना लिया, तो उस नू घर तो बाहर कढ दवो, क्योंकि तुसीं देखिया होना कि बंद पईआं चीज़ां दे विच ही कबूतर बोलते हैं। बहुत सारिया कहावतां भी है कि उस घर दे विच तां कबूतर बोलते, उस फैक्टरी दे विच तां कबूतर बोलते, यानी कि जिहड़ी जगह ते उजाड़ होवे उत्थे कबूतर रहिंदे है ते घर नू उजाड़ कर देंदे है। जेकर तुहाडे घर भी इहो जिहा हो रहा है तो उन्होंने तुरंत बाहर कढ दवो, इस नाल थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाएगी तो घर कंगाल होणों भी बच जाएगा। नंबर 4 ते है, घर विच फाटी हुई गुरुआं दी, देवी देवत्यां दी फोटो या मूर्ति, टुटी हुई मूर्ति कदे ना रखो। दोस्तों, घर दे विच असीं अक्सर देखते हैं कि साडे गुरुआं दी या साडे देवी देवत्यां दी फोटो पई हुंदी है ते ओ कदे ना किते किते ना किते फट जांदी है, या मूर्ति कोई टुट जांदी है ते असीं उहनूं नहीं सुटदे, जल प्रवाह नहीं करदे। ये बिल्कुल ना करो,
जे कोई तुहाडे घर दे विच फटी हुई फोटो है या कोई टुटी हुई मूर्ति है तो उसनू तुरंत जल प्रवाह कर देवो। ये घर दे विच रखोगे तो नैगेटिव ऊर्जा जिहड़ी आ तुहाडे घर दे विच रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा घर दे विच नहीं आएगी, जिस नाल तुहाडा घर बर्बादी दे वल जाएगा, लक्ष्मी तुहाडे घर दे विच नहीं वास करेगी। नंबर 5 ते है साडे हत्थां ते पैरां दे 9। बिल्कुल अक्सर देखा जाता है कि असी हत्थां नाल किरत कमाई करते हैं तो सब तो पहला 9 आते हैं, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा जिहड़ी हैगी आ 9 दे राहीं साडे शरीर दे विच प्रवेश करती है। जेकर तुहाडे 9 वड्डे हुंदे है तां उन्नी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा जिहड़ी आ तुहाडे शरीर दे विच प्रवेश करती है। जिन्ने वड्डे 9 उन्नी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा नैगेटिव एनर्जी तुहाडे अंदर हुंदी है। इस वास्ते आपदे हत्थां ते पैरां दे 9 नूं कदे ना वधन दिओ। जिन्हां नूं वधाउण दी आदत है उह उहनां नूं साफ सुथरा रखण, साफ सुथरा ना रख के तुसीं उहनां नूं नैगेटिव ऊर्जा नूं न्योता दिंदे हो ते नैगेटिव ऊर्जा जिथे हुंदी है उत्थे कदे भी तरक्की नहीं हुंदी। नंबर 6 ते है कबाड़ दा समान। अक्सर देखा जाता है कि कोई चीज़ साडे कम नहीं आउंदी तां असीं उहनूं सांभ के रख लैंदे हां, कमरे दे विच रख लैंदे हां, स्टोर दे विच रख लैंदे हां, ते उह साडे कदे भी कम नहीं आउंदी, हौली हौली उह कबाड़ दे विच तब्दील हो जाती है। जेकर तुहाडे घर दे विच वी इहो जिहियां कुछ चीज़ां हैगियां जिन्हां दा तुसीं इस्तेमाल नहीं कर रहे, कबाड़ हो रही हैं, तां उहनां नूं तुरंत घर दे विचों कढ देवो, वेच देवो, सुट देवो, किसी नूं दे देवो, क्योंकि कबाड़ दे नाल तुहाडे घर दे विच नकारात्मक ऊर्जा जिहड़ी आ प्रवेश करती है। तो कबाड़ जिथे हुंदा है उत्थे गंदगी हुंदी है, जिथे गंदगी हुंदी है उत्थे लक्ष्मी जी कदे भी वास नहीं करदे। ये 6 चीज़ां घर विच कंगाली लियांदियां ने, नकारात्मक ऊर्जा पैदा करदियां ने, लक्ष्मी जी नूं घरों कढ दिंदियां ने, इसलिए इन्हां दा ध्यान रखो। जेकर तुहाडे घर विच नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है तां तुसीं घर दे विच नमक दे पानी वाले पोचे लगाओ ते आप भी थोड़ा जिहा नमक पा के नमक वाले पानी दे नाल नहाओ। तुहाडी नकारात्मक ऊर्जा, तुहाडे घर दे विचों नकारात्मक जिहड़ी ऊर्जा हैगी है, नैगेटिव एनर्जी है, वह हौली हौली खत्म हो जाएगी। तो इन्हां 6 चीज़ां दा ध्यान तुसीं जरूर रखना। उम्मीद करता हाँ कि आज दी ये वीडियो तुहानू पसंद आई होगी। इसनू लाइक अते शेयर करना बिल्कुल ना भुलना। तो जेकर तुहाडे कोले कोई सवाल या साडे वास्ते कोई राय है तो कमेंट बॉक्स दे विच जाके तुसी आपदा सवाल ते राय साडे तक जरूर पहुँचाना। जेकर तुसी रंग फकीरी दे यूट्यूब चैनल नू हाले तक सबसक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस ते आए हो तो इसनू सबसक्राइब कर लवो, घंटी वाला बटन जरूर दब लेना तां जो हर नवी वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे कोल सब तो पहला पहुँच सके। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੰਗ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ।